हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर से एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, इन लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स की हमने बात की थी यहाँ पर, और हमने यहाँ पर यूनिट की बात की थी कि रिएक्शन की जो रेट होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें रेट कॉन्स्टेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। अब आज हम बात करेंगे कि रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, या नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पास में है वो सामने दिए गए हैं। तो हम बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा दिया गया स्टूडेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम इसी की बात करेंगे, इफ अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है उसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में क्या होगी, इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर बोले अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। सर क्या, कि जो रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की कंसेंट्रेशन एंड B की कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर हमने लिया था इनके पावर। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ वी इंक्रीज रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन देन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट ये कह रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास में है वो बोल रहा है कि नेचर, देखना नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट जितना इजीली, या रिएक्टेंट के बॉन्ड जितने इजीली ब्रेक होंगे, क्लीवेज होंगे, उतना ही जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा पास में, इंक्रीज हो जाएगी आपके पास में। तो यहाँ पर आपके पास में मान लो एग्जाम्पल की बात करें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या बोल रहा है कि जितने इजीली मैं लिख रहा हूं आपके पास में रिएक्टेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो यहां पर आपके पास में बॉन्ड इजीली ब्रेक, बॉन्ड अंडरगो इजीली ब्रेक, देन आपके पास में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज होगा। सो ओवरऑल आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कि रिएक्शन में जितने इजीली आपके पास में रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपके पास में उतना इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा पास में, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें कि आपके पास में रिएक्शन दी गई है, वो रिएक्शन है 2NO जो है वो कन्वर्ट हो रहा है O2, जैसे मान लो 2NO प्लस में O2 का रिएक्शन करवाओगे तो ये बदल जाएगा 2NO2 में। ये जो रिएक्शन होती है एक फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होंगे, जो कि बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन में ये बॉन्ड्स होंगे बहुत इजीली ब्रेक होंगे, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, फास्ट होगा, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कार्बन, यहाँ पर दिया आपके पास में कि CO दिया है, साथ में क्या दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, 2CO2 का, किसका फॉर्मेशन हुआ, 2CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में होगी ये एक स्लो रेट वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी आपके पास में, स्लो होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दी गई है, इसके साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस से जुड़ती है, मतलब कि रिएक्टेंट के बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब अगला जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सरफेस एरिया, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं।
थर्ड नंबर पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सरफेस एरिया। अगर रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया हाइजर देन होगा आपके पास में, इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम सीधा बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज होगी बच्चों। और जैसे आपने देखा हो तो जितने भी सॉलिड जो होते हैं अगर उनको रिएक्टेंट की फॉर्म में यूज करते हैं रिएक्शन में, तो उनको पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, बिकॉज पाउडर फॉर्म में जैसे यूज करोगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास में नंबर जो आपके पास में आ रहा है फोर, नंबर फोर पे हमारे पास में आ रहा है कैटेलिस्ट। हाँ बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास जो फोर नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है कैटेलिस्ट। देखिए बच्चों कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा, हम एक ग्राफ बनाते हैं। और ये जो ग्राफ होगा, ये रिएक्शन जो दी गई है उसकी एनर्जी, और यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन का पाथ, जिस पाथ से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जा जाएगी। अब हम ये रिएक्शन हमारे पास नाम एक यहाँ से यहाँ जा रही, और एक हम ये ग्राफ ये बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में रिएक्टेंट और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा बच्चे, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो एनर्जी यहाँ पर होगी ये होगी आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक तो आपके पास में ये दी गई है y एक्सिस पे, आपको क्या दी गई है, एक्टिवेशन एनर्जी। आपने यहाँ पर क्या लिखा, E2R, और ये जो आपको दी गई है यहाँ पर, इसको आप क्या मानोगे, EA1, ठीक है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से ग्राफ में या कौन सा जो पाथ है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है, और कौन सा पाथ का जो रिएक्शन होगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है। तो बच्चों जहाँ पर EA1 क्या, E जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो आपके पास में मोर देन हो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ हो ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपके पास में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम ये बोलेंगे कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2, EA1 इज ग्रेटर देन EA2। तो ये जो आपके पास में ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा एब्सेंट होगा, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास में है ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तो TA1 इसकी हो जाएगी, TA2 किसकी हो जाएगी। तो जब भी आपके पास में किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट आता है तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता ही है, साथ के साथ में रिएक्शन का जो पाथ होता है उसको भी डिक्रीज कर देता है, रिएक्शन को छोटे रास्ते से लेके जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन की जो रेट होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली, और पाथ की भी क्या होती है, इन्वर्सली। कि जहाँ पर आपके पास में आर ज़्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कम, तो पाथ भी क्या होगा कम। तो बच्चों यहाँ पर जो पाथ है ये छोटा पाथ है, ये कैसे बड़ा पाथ होगा, तो ये कैसे पाथ होगा आपके पास में, बड़ा पाथ होगा। तो आप सीधे से बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जो रिएक्शन का जो पाथ होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इसके एडवांटेज है कैटलिस्ट की वो क्या क्या है, कि किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट जो होता है जब वो पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो खुद को जो होता है इट्स नो चेंज, उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन की डेल एच और डेल जी है, एक तो आ जाएगी आपके पास में एंथैल्पी और एक आ जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी, वो कैसे रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट जो काम करता है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट, बहुत से लो अमाउंट जो होगा एक रिएक्शन के अगर में डाल दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैटलिस्ट का मिनिमम अमाउंट चाहिए हमें, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चों। तो ये तो हो गया कैटलिस्ट का इफेक्ट, ये ग्राफ वाला। अब बात करते हैं टेम्परेचर की।
किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। इसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा, सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सर कितने टाइम, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर रहे हो, राइज कर रहे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कितने टाइम इंक्रीज होगी, 2 to 3 टाइम्स, ये क्या होगी आपका उसमें इंक्रीज हो जाएगी। और इसको हम अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। आरएनएस इक्वेशन में सीधा सीधा सा है, ये होती है के बराबर ए डॉट ई ए की पावर माइनस में ई ए कोण आर टी, ये होती है एक्वेशन एनर्जी। ये कॉन्स्टेंट ये क्या होता है, टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपके पास में। ठीक है बच्चों, तो सर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारे पास में आर टी प्लस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और पहले हमारे पास टेम्परेचर था आर टी। अगर हमारे पास में पहले टेम्परेचर था आर टी और अब हमने किया गया इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी, 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास में इंक्रीज हो। ठीक है बच्चों, तो सीधी सीधी बात करते हैं कि रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ रही है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ वी इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी है, रिएक्टेंट के बॉन्ड जितने इजिली ब्रेक होंगे उतने इजिली हमारे पास में बॉन्ड का प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की, अगर आप रिएक्ट हैं रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या करते हो, इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं टेम्परेचर की, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में जो लास्ट आ रहा है वो कैटलिस्ट आ रहा है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में जब कैटलिस्ट आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी और जो पाथ होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।